दिखाते हैं आपको अब तक की दूसरी और बड़ी खास खबर। कासगंज से अगर मैं बात करूं भारत के अर्थव्यवस्था की, तो मुझे लगता है कि जो अब तक हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में, विद्यालयों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है किसानों पर और उनके द्वारा की गई खेती पर निर्भर करती है। और हमारे देश जो है विकासशील से विकसित देशों में तभी गिना जाएगा जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं निर्भर है कृषि पर। और जब कृषि करने वाले उन किसानों के हितों की अगर मैं बात करूं, जब उनके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, अगर मैं बात करूं डीएपी की, तो डीएपी ही जब किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश का विकास होना असंभव है। बात कर रही हूं कासगंज की, जहां पर किसान डीएपी के लिए परेशान है और सहकारी समिति पर लगा हुआ है ताला, जहां के अधिकारी जहां वादे करते हैं किसानों के हितों की। और एक बड़ा मुद्दा जो अभी देश में चल रहा है, जहां पर किसान अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी छोर पर अगर किसान जो है अपने कार्यों को कर्तव्य निष्ठा के साथ करना चाह रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाह रहे हैं, वहां पर उन किसानों को मांगने के पश्चात भी जो है डीएपी समय पर उपलब्ध नहीं हो रही है और सरकारी अधिकारियों के द्वारा सहकारी समितियों पर जड़ दिया जाता है ताला, इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है किसानों पर। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार या वे अधिकारी? देखिए आवाज न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। जनपद कासगंज के अधिकारियों किसानों की परेशानी ना होने के लिए कितने भी दावे करते हैं, लेकिन सहकारी समिति पर तैनात कर्मियों की लापरवाही सामने नजर आ रही है। आपको बता दें कि कासगंज विकास खंड परिसर के अंदर क्षेत्रीय सहकारी समिति पर 11:30 बजे तक ताला लटका पड़ा है तथा किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। वह डीएपी पाने के लिए 9 बजे से इंतजार करते नजर आए, तभी अचानक मीडिया की टीम ने यह सच दिखाने के लिए सहकारी समिति पहुंची, जहां पर क्षेत्रीय सहकारी समिति पर तैनात कर्मियों की लापरवाही जो है सामने नजर आई है। मेरा नाम अमर सिंह है। आप यहाँ पर सोसाइटी में आए हैं, क्या है मामला? डीएपी की जरूरत थी खेती के समय चल रहे हो, इसलिए हम आए यहाँ। क्या सोसाइटी से डीएपी मिली? नहीं मिली है, कि दुकान गोदाम बंद है अभी तक 11:30-11 बजे के टाइम में, 12:45। लेकिन अभी खुली नहीं सोसाइटी? नहीं खुली। क्या लगता है इसमें नहीं, किसकी लापरवाही दिख रही है? लापरवाही कर्मचारियों की लापरवाही है, इसलिए समय पर अगर 10 बजे खुल जाती तो हम ले जाएंगे अपन समय से खाद बाइकें और खेती बैल लेती।